लीजिए दोस्तों, फेस है वृंदावन की कुंज गलियां। मथुरा की गाड़ी लेके वृंदावन की इन गलियों में घूमने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए भाई, खास तौर से मेरे जैसे ऑटो ड्राइवर ई रिक्शा ड्राइवर के लिए। कहीं भी अगर पुलिस वाला मिल गया तो समझ लो गई आपकी दिन भर की कमाई। ओहो निमंत्रण है, परसों का भंडारा। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे हुए हैं गाइस। आज थोड़ा सा लेट होने की वजह दूसरी है भाई, 3-4 दिनों से लाइट इतनी ज्यादा परेशान कर रही है मथुरा में कि सारी हदें पार हो गई हैं। कल दिन में भी 4-5 बार लाइट गई थी तो शाम को गाड़ी चार्ज हो नहीं पाई थी। हालांकि मुझे कोई काम नहीं मिला शाम को, तो चार्ज होने से या ना होने से कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन भाई रात को जब आराम करने के लिए घर पे जाते हैं और तब लाइट चली जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कल रात को काम मिला नहीं था तो मैं जल्दी निकल गया था, लगभग 8:30-9 बजे के करीब मैं घर पहुंच गया था। और भाई जैसे ही चाय पीने बैठा तभी लाइट चली गई रात को, फिर 11:30 बजे लाइट आई। बड़ी मुश्किलों से फिर भी तैयार होके कि सो लेते हैं। जैसे ही सोने को तैयार हुए भाई फिर से लाइट चली गई। तो रात को 1:30 बजे दोबारा से लाइट आई, तब जाके नींद आई है। और छत पे गए थे तो भाई इतना मच्छरों ने काटा कि हालत खराब कर दी। तो सुबह लेट नींद खुली है, 8 बज चुके हैं, तो ज़्यादा लेट हो गया था तो मैं सीधा निकल आया घर से गाड़ी की साफ सफाई करके। सोचा कि चलते चलते ही ब्लॉग की शुरुआत कर लेंगे, तो चलते चलते भाई महिंद्रा ट्रियो के ब्लॉग हैं तो चलते चलते भी एक आध दो ब्लॉग शुरू करना चाहिए, यही सोच के किया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और आज के दिन की और आज के ब्लॉग की दोनों की शुरुआत करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना। चलिए मथुरा जंक्शन पहुंचते हैं। वैसे पहुंच गया हूं मैं, डॉली चौक कोने पे ही हूं। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। सैटरडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन अच्छे रहते हैं, पर पिछले कुछ दिन ऐसे जा रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये है गेट नंबर 3 मथुरा जंक्शन का, यही हमारी दुनिया है घर से निकलने के बाद। यहीं पे हमारे दोस्त हैं, यहीं पे हमारे दुश्मन हैं। और कुछ बाहर कैसे, ये गाड़ियां लाइन लगा के बाहर खड़ी हुई थी, मैंने सोचा कोई गड़बड़ हो गई है, पर वैसे ही खड़े हुए हैं। चलिए भाई देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है। वैसे इस समय गर्मी ने बहुत ज्यादा हालत खराब करके रखी हुई है भाई। पूरी फौज तैनात है भाई। तो दोस्तों देखिए हमारी पूरी की पूरी फौज तैनात है बॉर्डर पे। आज ना जब मैं गाड़ी लेके घर से निकल रहा था तब भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। 2-3 दिनों से इतनी गर्मी थी कि दिल देख के बहुत खुश हुआ कि चलो आज तो मौसम ठंडा है। और भाई मथुरा जंक्शन पहुंचते पहुंचते हवा हो गई बंद, फिर दोबारा से भाई गर्मी, हालत खराब हो गई थी। और ऊपर से शनिवार था तो उम्मीद थी कि काम अच्छा निकलेगा, पिछले कई दिन बहुत बुरे गए तो आज शनिवार को कुछ ना कुछ अच्छा होगा। भाई ना तो मौसम में कोई बदलाव हुआ, ना ही अपनी किस्मत में और ना ही अपने काम में। लगभग 2 घंटे खड़ा रहा मथुरा जंक्शन पे, 10 बजे जाके पहली सवारी मिली, वो भी अपनी मेहनत से नहीं मिली। हमारे मित्र जो है सुमित बाबू, उनको 2 गाड़ी का काम मिला था तो दोनों भाई फोगला आश्रम के लिए आए हुए थे। सवारी हमने छोड़ दी है, अब वृंदावन में भटकने में लगे हुए हैं मथुरा के लिए सवारी देखने के लिए। तो बड़ी मुसीबत चल रही है यार, मथुरा से जैसे तैसे करके सवारी ले भी आओ ना तो भाई भाई यहाँ वृंदावन से मथुरा के लिए वापसी सवारी नहीं मिलती। समझ में नहीं आ रहा यार क्या करें, सिर दर्द हो जाता, खोपड़ी में परेशानी चल रही है, जिंदगी तो वैसे ही उलझी हुई है। ऊपर से इस काम ने उस उलझन को और ज़्यादा भगेड़ दिया यार, क्या करें। किधर भी निकल जाए उधर ही भीड़ भाड़ है गाड़ियों की, सवारियों की नहीं। हालांकि सवारियां निकल रही हैं लेकिन वो सारी की सारी भाई जो 84 कोस की प्रकम्भा चल रही है ना उसकी भीड़ है। 84 कोस वाले 1 रुपया खर्च करते नहीं है और ना ही तुमको कमाने को देते, वो पैदल ही पैदल पूरा ब्रज घूम के चले जाते हैं वापस। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है इस समय। आज शनिवार का दिन होते हुए भी हमें 2 घंटे खड़े होने के बाद सवारी मिली है। चलिए भाई विद्यापीठ चौराहे की तरफ निकल आए, बाकी बिहारी मंदिर की पार्किंग जो है अगर मिल जाता है कुछ तो अच्छा है, वरना जो होगा बंसी वाला देखेगा बताएंगे आपको। फिलहाल तो हमारे जो सुमित बाबू मुझसे आगे आगे चल रहे हैं, चलते उनसे मिलते हैं। इस गर्मी में ट्रैफिक सिग्नल खून पी जाते हैं भाई।
ये है 84 कोस की परिक्रमा, ऐसे लगती है भाई। सर पे बैग रख लो और चलते रहो। ये ऐसे ही पैदल पैदल पूरा 84 कोस नाप देंगे। वैसे एक बात के लिए तारीफ भी है इनकी भाई, इतनी गर्मी में हमें गाड़ी चलाते हुए भी गर्मी लग रही है, ये लोग पैदल पैदल ही नाप रहे हैं। तो दोस्तों वृंदावन से मथुरा जंक्शन आ चुके हैं, मुझे वहीं से सवारियां मिल गई थी दो, उनको लेकर सीधा निकलता चलाया कि रास्ते में जो मिल जाएगा वो देख लूंगा, लेकिन कुछ नहीं मिला भाई। और हमारे सुमित बाबू कल की तरह आज फिर से रह गए वहीं पे, बोल रहे थे कि मैं सवारी देख के आऊँगा, और भाई मैं वृंदावन से मथुरा जंक्शन आ गया, अभी अभी उनकी कॉल आई है, अभी तक सवारी नहीं मिली उनको, तो बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है भाई खाली भागना पड़ेगा वरना कल की तरह लटक जाऊँगा। तो भाई वृंदावन में बहुत बुरी स्थिति है, मिल जाए तो ठीक ठाक है, जो मिले लेके निकल जाओ उसी में भलाई है। अगर आप सोचो कि नहीं फुल भर के ही जाना है, पूरी सवारी लेके जानी है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए मैं लेके निकल आया था, मैं जो मिल रहा है वो ठीक, ज़्यादा लालच करना बेकार है वरना यहीं फंसे रह जाएंगे। अभी 12:15 हो चुके हैं तो मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे, फिर दोबारा से शाम को आएंगे। हाँ तो दोस्तों हमारा दोपहर तक का आराम हो गया ख़त्म, तैयार हो चुके हैं, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। सुबह एक चक्कर वृंदावन का बड़ी मुश्किलों से लगाया था, उसको लगाने के बाद आ गया था घर, ब्लॉग एडिट वगैरह, खाना पीना आराम सब कुछ खत्म हो चुका है, निकलते हैं मथुरा जंक्शन। और भाई आज हमारे घर पे कुछ रिश्तेदार आए हुए, उनसे मिलाते हैं। तो मिलिए साहब कौन आए, देखिए आज हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं, हमारे जीजा श्री बबलू सिंह धनगर, धनगर लिखे कहा लिखे धनगर। और सब ठीक ठाक, कुशल मंगल, बताइए कैसे आना हुआ? ओहो निमंत्रण है, परसों का भंडारा। ये सब किस खुशी में? पीयूष का आजादी की, हमारे भांजे श्री का जन्मदिन है। लो भाई दावत आ गई है, कौन कौन जाना चाहेगा इनके यहाँ पे? पहले तो रामायण पाठ है, कब से? कल से, कल से रामायण पाठ, परसों अखंड है, मतलब अखंड रामायण होने वाली है भाई इनके यहाँ। तो निमंत्रण देने आए, और कौन आया? और तो बाजार कर रहे हैं। पूरा कौन आया? अच्छा बहन जी तुलसी भी वही है, घर नई। अच्छा चलो सा, निमंत्रण आ गया भाई, दावत खाने तो चलेंगे ही चलेंगे। दोस्तों कभी कभी इतनी अच्छी सवारियां मिल जाती है भाई, अभी जो सवारियां थी मेरी गाड़ी में, ये मुझे धौलीप्याऊ पे मिली थी, घर से जैसे ही निकल के आया था ना, तो धौलीप्याऊ पे गेस्ट हाउस है, वो भी गेस्ट हाउस वहीं पे खड़े हुए थे, दो गाड़ी का काम था, तो मैं और मेरा एक और दोस्त था, दोस्त का मतलब ये है कि वो रस्ते पे चलता हुआ मिल गया था, दुश्मन कोई नहीं है, वो भी दोस्ती है भाई। तो हम दोनों आए हुए थे और भाई जैसे ही गाड़ी में बैठे उनके भजन शुरू हो गए। तो कभी कभी गाड़ी ऐसी लगती है कि जैसे कोई मंदिर हो, पूरे रस्ते भजन कीर्तन करते आए, मेरा भी मन लगा रहा, उनको विद्यापीठ चौराहे पे छोड़ दिया, बाकी बिहारी तक की सवारी थी। अब यहाँ से दोबारा वृंदावन से मथुरा के लिए सवारी देखेंगे, सुबह में भी एक चक्कर लग गया, शाम के भी अब लग गया है, अगर वापसी अच्छी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई, पूरे दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। जब ऐसे काम निकलता है ना तो थोड़ी सी संतुष्टि रहती है, अब एक दिन मिल गया एक दिन नहीं मिला, ऐसी स्थिति में दिमाग तो खराब होता ही है, ऊपर से यार मन भी दुखी होना शुरू हो जाता है कि कैसे काम चलेगा। अब भाई आज थोड़ा सा काम हो गया, वैसे शनिवार को हमेशा ही काम हो ही जाता है, तो आज हो गया है, संतुष्टि है, मथुरा के लिए सवारी मिल जाए तो ये संतुष्टि खुशी में बदल जाएगी, जल्दी से शुरू हो जाते हैं, देखते हैं वृंदावन से मथुरा की सवारी लेने में कितना टाइम और लगता है। तो लीजिए दोस्तों फेस है वृंदावन की कुंज गलियां, मथुरा की गाड़ी लेके वृंदावन की इन गलियों में घूमने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए भाई, खासतौर से मेरे जैसे ऑटो ड्राइवर ई रिक्शा ड्राइवर के लिए, कहीं भी अगर पुलिस वाला मिल गया तो समझ लो गई आपकी दिन भर की कमाई, कमाई नहीं जाएगी तो आपकी गाड़ी जाएगी, मतलब सीज कर देंगे। वैसे बाके बिहारी से इस्कॉन जाने वाली को रोड है, अगर आप कभी गए हों तो आपको पता ही होगा, पीछे की तरफ बाके बिहारी है,
और जिस तरफ को मैं जा रहा हूँ इधर को इस्कॉन टेम्पल है, प्रेम मंदिर है, यही सीधी रोड जाती है उन दोनों मंदिरों के लिए। इस पर मैं सवारी देखने के लिए भटक रहा हूँ भाई, अगर मिल जाए तो मजा आ जाए यार। अभी हमारे सामने फोगला आश्रम और हनुमान बगीची आने वाली है। ये देखिए सफेद कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, यही हनुमान बगीची है। ये है हनुमान बगीची, और ये सामने फोगला आश्रम। ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा और आगे जाऊंगा बस, उसके बाद वापस मतलब खतरे की घंटी बज जाएगी मेरे लिए। हाँ तो दोस्तों, वृंदावन से मथुरा जंक्शन पे आ चुके हैं, शाम के बजे हैं 8:30, घर जाने का टाइम हो गया है। और भाई मेरे से कई भाई कई दोस्त हैं जो कि सवाल कर रहे हैं महिंद्रा ट्रियो के बारे में। यार मैंने इतने वीडियो बना दिए महिंद्रा ट्रियो के बारे में, फिर भी लोगों के सवाल बाकी रह रहे हैं। या तो आप लोग ब्लॉग देखते नहीं हो, नहीं देखते हो तो भाई पूरा देखा करो। मैं इस बार जब जब वीडियो बनाता हूँ महिंद्रा ट्रियो के बारे में या किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में, तो हमेशा कहता हूँ भाई वीडियो पूरा देखा करो, फिर आपके सवाल रह जाते हैं। तो भाई साहब हैं एक, बार बार पूछ रहे हैं, कल या परसों शायद दो दिन से उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने चार्जर के बारे में पूछा है कि चार्जर फूक जाता है क्या। भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई भी फूक सकता है, महिंद्रा ट्रियो के चार्जर से नहीं, किसी भी कंपनी का फूक सकता है। टीवी, फ्रिज, कूलर जितने भी होते हैं एक दिन तो फूकते ही है, तो इसका भी चार्जर फूक सकता है। अब कब फूकेगा इसकी मेरे पास कोई डेट नहीं होती है। दूसरा, एक भाई साहब पूछ रहे हैं परमिट के बारे में कि इसके परमिट वगैरह होते हैं क्या। भाई कॉमर्शियल गाड़ी जितनी भी होती हैं, जितने भी कागज़ होते हैं, वो सारे के सारे इसके भी होते हैं, क्योंकि ये भी कॉमर्शियल यूज़ में चलती है। परमिट भी होता है, फिटनेस भी होती है, रोड टैक्स भी होता है, जो जो जितने भी नॉर्म्स होते हैं कॉमर्शियल गाड़ियों के ऊपर, वो सब कुछ होता है इसमें। एक भाई साहब और हैं, वो पूछ रहे हैं गाड़ी के बारे में कि ये गाड़ी एक बार के चार्जिंग में सारा दिन कटा देती है कि नहीं। तो वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, अगर काम अच्छा है लगातार मिल रहा है तो आपको दो बार भी चार्ज करनी पड़ सकती है, और काम नहीं है जो कि पिछले 4-5 दिनों से मेरे पास नहीं है, तो एक बार की चार्ज में दिन पूरा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब गाड़ी चलेगी नहीं तो चार्जिंग दोबारा मांगेगी क्यों। अपना कई दिनों से ऐसा ही हाल चल रहा है, आज भी ऐसा ही है। सुबह के टाइम में एक चक्कर वृंदावन का लगाया था, अभी शाम को भी एक ही लगाया, तब से लेके अब तक खड़ा हुआ हूँ। हालांकि अभी 8:30 हो रहे हैं, चाहूँ तो आधा घंटा रुक सकता हूँ, लेकिन मुझे पीछे मथुरा जंक्शन से कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। तो चलिए घर चलते हैं, घर पे आराम करेंगे, कल के लिए फिर से तैयार होके आएंगे। जब तक काम नहीं निकलना शुरू हो रहा ठीक से, जो लय बनती हुई चाहिए वैसी नहीं बन पा रही है, तब तक ऐसा ही चलेगा भाई। 84 कोस की परिक्रमा का कोई खास फायदा मिल नहीं पा रहा है, हालांकि उम्मीद थी कि अधिक मास आ रहा है, डबल सावन पड़ रहे हैं तो काम अच्छा निकलेगा, लेकिन जो बाढ़ लेकिन जो दिल्ली में बाढ़ आई और भी कई राज्यों में दिक्कतें बढ़ी, हमारे मथुरा में पानी का स्तर बढ़ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम नीचे की तरफ चला गया। अब जैसे जैसे पानी उतरेगा तो काम निकलना शुरू होगा। चलिए घर चलते, जो था जो करना था बंसी वाले ने करवाला था वो कर लिया है, आराम करते हैं। अंजलि के चश्मा लग गया अभी से, पढ़ाई करती है भाई अंजलि, ये सबूत है इस बात का, पढ़ते पढ़ते आंखें खराब कर ली मेरी बेटी ने, है ना अंजलि। कितने नंबर का आया चश्मा? ढाई नंबर का। और ये नहीं हमारी मैडम राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, क्या बनाया खाने में? गुइया की सब्जी। हाँ, ये कौन सी सब्जी आ गई नई? गुइया की सब्जी, गुइया के कोफ्ते, और अरबी के पत्ता की सब्जी। अच्छा, मतलब ये गुइया और अरबी अलग अलग होता है मम्मी, अपने अरबी के पत्ता के अंदर अलग होता। तो अरबी से गुइया बोलते हैं, ये नई चीज पता चली है भाई, मेरी जानकारी के बाहर थी। ये गुइया शब्द सीखा कहाँ से तुमने? कहीं से तो सीखो मैडम, हमारी भाषा तो है नहीं। घर पर एक शो आता है। अच्छा, वही तो कहूँ यार, हमारी मथुरा की भाषा में तो गुइया कहीं सुना ही नहीं आज तक, हमने इतने बड़े हो गए। मैडम नए नए शब्द सीख रही है हमारी भाई, चलो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीख रही है वही बहुत है। हाँ तो फ्रेंड्स, वृंदावन का चक्कर लगाने के बाद आ गया था मैं घर, अभी रात के 9:45 बजे हुए हैं, 10:30।
मैं जब भी बोलता हूँ ना कुछ गलत तो मैडम घूरना शुरू कर देती है। तो मेरे मुंह से निकल गया था 9:45, हकीकत में 10:30 बजे हुए हैं। इतने भी मैडम ऐसे घूर के दिख रही थी, कितना झूठ बोल रहा है बंदा, जबकि इतना ज़्यादा झूठ बोलता नहीं है। बगल में हमारी बिटिया रानी अंजलि पढ़ाई करने में लगी हुई है, अंजलि के चश्मा लग गया है, मेरे भी लगा हुआ है, वैसे मैं लगाता नहीं हूँ। एक बार मैंने लिया था, खरीदा था, बनवाया था, कितनी बार भूल गया है, लिया था, बनवाया था, खरीदा था, तो मैंने चश्मा लिया ज़रूर था। एक दिन मेरे पास में रखा हुआ था, मैं अपने चश्मे के ऊपर खुद ही बैठ गया। अब दोबारा इतने पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं थी तो मैंने बनवाया ही नहीं। वैसे ही मैं कौन सा पढ़ाई का काम करता हूँ, मुझे तो गाड़ी चलानी है और उसके लिए चश्मे की कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। फिलहाल 10:30 हो चुके हैं तो खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं। और गैस आज हमारे पास निमंत्रण भी आया है हमारी छोटी सिस्टर के यहाँ, कल से अखंड रामायण का पाठ होने वाला है। कल अखंड रामायण बैठेगी 10 बजे और कल तक चलेगी, क्योंकि वो सॉरी कल बैठेगी, परसों तक चलेगी। परसों मेरा जो भांजा पीयूष, मेरी सिस्टर का बेटा, उसका है जन्मदिन, तो वो बोल के गए कि बच्चों को लेके आ जाना। अब जो भी टाइम होगा वो बताएंगे आपको कि कल जाता है कोई कि नहीं जाता। परसों तो कोई ना कोई जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उस दिन का बर्थडे है और वैसे भी दावत है, बहुत दिनों से दावत नहीं मिल रही है, ना तो शादी की ना कहीं किसी फंक्शन की, एक छोटी सी दावत आई है, हो सकता है कि खाने के लिए जाएं। फिलहाल चलिए, जो होगा बंसीवाला करवाएगा, आनंद लीजिए ज़िंदगी में, राधे राधे बोलिए और आगे बढ़िए। आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।